अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स। आज हम लोग लाए हैं डायट्सो हाईजेट। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गाड़ी की। पहले आपको ओवरऑल गाड़ी की लुक करवा देते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी का आपको बोनट और डिक्की और इंटीरियर दिखाते हैं आपको। पहले ओवरऑल लुक कर लेते हैं इसका। अच्छा, अलॉय रिम नहीं लगे हुए इसके अंदर। ये जो है सारे व्हील कैप्स लगे हुए गाड़ी के अंदर, और छत वगैरह भी इसकी आप देख सकते हैं काफ़ी साफ है। अब चलते हैं इसकी डिग्गी की तरफ, और फिर डिग्गी में चल के आपको मैं डिग्गी दिखाता हूँ इसकी। अच्छा, तो ये हम डिग्गी की तरफ आ गए हैं इसकी। ये आप देखें, डिग्गी भी अपनी माशाल्लाह से चीज़ों पे है इसकी, बिल्कुल हर चीज़ सही। देखें डिग्गी सारी अपनी माशाल्लाह से चीज़ों पे है, कोई इसमें वो नहीं है कलर होने का डाउट। आपको पता है कि 2011 की गाड़ी है, तो इसमें थोड़े बहुत तो टचअप्स तो होंगे। जेन्युइन कंडीशन में तो बहुत मुश्किल है गाड़ी हो, क्योंकि 2011 की गाड़ी, फिर 15 की रजिस्ट्रेशन, तो उसमें थोड़े बहुत तो टचअप में होगी गाड़ी। तो देखते हैं अभी चल के आगे, इसके ऑनर से भी रिव्यू करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या है, क्या इसका है, किस तरह से अगर किसी को परचेजिंग करनी है तो किस तरह से कॉन्टिन्यू कर सकते हैं। चलते हैं इंजन रूम की तरफ। अच्छा, तो अब हम लोग आ गए हैं इसके इंजन की तरफ, और इंजन भी आप इसका देख सकते हैं। इंजन रूम माशाल्लाह से इतना साफ सुथरा हुआ हुआ है, और ये दूसरी तरफ है। असल में इसका इंजन होता है सीट के नीचे, तो यही इस गाड़ी का एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें आगे बोनट बहुत छोटा सा होता है, तो इसको चलाने में ये भी बहुत अच्छा नहीं है कि आपको आगे इतना ज़्यादा ख्याल नहीं। आपको जैसे होता है कि लोग बोलते हैं यार आगे बोनट बहुत बड़ा है इसका, तो इसमें बोनट भी बहुत छोटा था। ये बोनट भी दिखाते हैं आपको इसका। अब आते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं डोर की सारी सीलें वगैरह सब चीज़ें इसकी ओके हैं। यहाँ की भी आप सारी सीलें देखें तो सारी साफ़ हैं। वही कंपनी पैच वो हुआ हुआ है इस पर भी कंपनी पैच वो लगे हुए हैं। तो गाड़ी ये भी जेन्युइन कंडीशन में ही है, थोड़ी बहुत टचअप में। मैं अभी ओनर से रिव्यू करते हैं, तो फिर उनसे पूछते हैं कि क्या फीस टचअप में है और क्या नहीं। और ये भी आप देख सकते हैं अंदर से भी पूरी छत भी इसकी ओरिजिनल है, इंटीरियर की पूरी आप देखें अगर। और पूरी पन्नी वगैरह चढ़ाई हुई है, शोरूम कंडीशन में गाड़ी है। और हम कोशिश करते हैं कि व्यूअर्स के लिए जितनी अच्छी से अच्छी गाड़ी लेके आएँ, ताकि आप लोगों का रिव्यू आए अच्छा, और क्योंकि लोग लाइक करते हैं इस चीज़ को। LCD भी लगी हुई है, LCD ऑन है गाड़ी। अब स्टार्ट करते हैं, गाड़ी की माइलेज देखते हैं, गाड़ी की माइलेज क्या है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी 1,80,000 चली भी है। खैर, ये तो जापानी इंजन होता है, शिफ्ट के इंजन इसमें लगे हुए होते हैं, तो इससे तो खैर इतना मसला नहीं होता। ये तकरीबन 2-2.5 लाख तक गाड़ी चलती है, तब जाके इसका इंजन जो है वो बोलता है या बैठता है या जो भी है, इसमें चेंज करने की जरूरत है। 2-2.5 लाख पे जाके फनियाँ वगैरह चढ़ी हुई हैं गाड़ी में, आप देख सकते हैं। और LCD भी गाड़ी की ऑन है। और चलते हैं इसके ऑनर की तरफ, ऑनर से रिव्यू करते हैं। पहले मैं आपको इसका बोनट दिखा देता हूँ अंदर से, बोनट की कंडीशन, फिर उसके बाद चलते हैं ऑनर की तरफ, और ऑनर से फिर डिस्कशन करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या इसकी डिमांड करी है और क्या इन्होंने आस्किंग करी हुई है इसकी। अच्छा, तो गाइस अभी देख सकते हैं कि इसका बोनट बिल्कुल जो है वो छोटा सा है, बिल्कुल लग नहीं रहा कि मतलब आगे तो बहुत छोटा है इसका बोनट। इसका बोनट खोल के आपको अंदर से दिखाते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि बोनट भी अपने तकरीबन तमाम सीलों पे है, कोई इसमें नहीं है। जाहिर सी बात है, शावर तो नहीं हो सकती गाड़ी, ये है कि टचअप में हो सकती है गाड़ी। और जो भी हमने जो चेक करी है, हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ थे उन्होंने चेक करी है, तो थोड़ी बहुत गाड़ी बता रहे हैं कि टचअप में है, लेकिन अच्छा तरीके का काम हुआ हुआ है, कोई वो नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है गाड़ी, इस चीज़ के हमारे एक्सपर्ट्स ने जो हमें बताया है। तो ये भी आपको एक बेनिफिट है। सकते हैं आप, और इसमें आगे जो है वो सिर्फ पानी की बोतल है और सिर्फ रेडिएटर वगैरह है इसमें। जी नाजीन, अब हम लोग आ गए हैं, फिट है। सकते हैं आप, और इसमें आगे जो है वो सिर्फ पानी की बोतल है और
सिर्फ रेडिएटर वगैरह है इसमें। जी नाज़रीन, अब हम लोग आ गए हैं ऑनर की तरफ, तो ऑनर से ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनका जो है ना, इन्होंने क्या डिमांड वगैरह रखी हुई है इसकी। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाम क्या है भाई का? जी वकास। वकास, अच्छा वकास भाई, ये इसका मेक मॉडल वेरियंट क्या है? जी भाई, ये 150 IZ है, 2011-15 की रजिस्ट्रेशन के साथ। अच्छा अच्छा वकास भाई, इसकी क्या माइलेज क्या देती थी ये? भाई वैसे तो 15 है, और अगर AC चलाओगे उसके साथ तो 12-13 है AC के साथ। अच्छा जी, 12-13 AC में दे रही है। अच्छा अच्छा वकास भाई, गाड़ी में ओवरऑल कोई काम, कोई हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप बताएं कोई कुछ सही बात? काम तो नहीं है, गाड़ी अप टू डेट है और आपके सामने और हर चीज़। अच्छा वकास भाई, मुझे ये बताएं कि इसका इंजन जो है वो अपना है या चेंज है? नहीं भाई, इसका इंजन अब चेंज है और डॉक्यूमेंट्स के साथ सब चीज़ें क्लियर है इसकी। अच्छा, जो क्या कहते हैं, बुक वगैरह पे चढ़ा हुआ है इसका इंजन? बुक पे चढ़ा हुआ। अच्छा, इसका बुक है या कार्ड है इसका? इसका कार्ड बना हुआ है। ओके, कार्ड बना हुआ है, ठीक है। और वकास भाई, इसकी क्या आपने डिमांड रखी हुई है? भाई इसकी 13 लाख रुपए डिमांड है, बाकी जो भी भाई लेना चाहे तो इंशाल्लाह। अच्छा, तो अगर कोई आपसे कोऑर्डिनेशन करना चाहे तो कोई नंबर वगैरह आप देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? जी 0313-20-33-097। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास भाई। इंशाल्लाह जो भी हमारे व्यूअर्स आएंगे तो इंशाल्लाह आपसे इस नंबर पर कोऑर्डिनेशन कर लेंगे। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।